नेशनल लॉकडाउन अब अनलॉक की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। 8 जून से कई राज्यों में मंदिर और धार्मिक स्थल भी खुल जाएंगे, लेकिन दर्शन करने की परंपराओं में काफी बदलाव आ जाएगा। कुछ राज्यों ने मंदिरों के लिए अलग से गाइडलाइंस भी जारी कर दी हैं, जिसमें मंदिरों में दर्शनार्थियों की संख्या को सीमित करने, प्रसाद चढ़ाने और चरणामृत आदि न देने के लिए कहा गया है। जिन मंदिरों में बड़ी संख्या में भक्त आते हैं, जैसे तिरुपति बालाजी, वैष्णो देवी, खाटू श्याम, शिरडी साईं मंदिर आदि में दर्शनार्थियों की संख्या सीमित करने की सलाह भी दी है। कुछ राज्यों में फिलहाल धार्मिक स्थल 1 जुलाई तक बंद ही रहेंगे। असम, मणिपुर, तमिलनाडु जैसे राज्यों ने अपने धार्मिक स्थलों को 30 जून तक बंद रखने का फैसला किया है। असम की गुवाहाटी में मौजूद कामाख्या शक्तिपीठ भी जुलाई में ही खुलेगा। असम सरकार ने फिलहाल जून में इसे बंद रखने का ही फैसला किया है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर 8 जून से खुल सकता है, लेकिन उसमें भी दर्शन जून अंत से ही शुरू होंगे। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।